अच्छा लोग कहते हैं ना लड़की लड़का एक समान, आपके घर बेटा बेटी हो गई ना तो आप क्या बोलते हो, महाराज जी हमारी बेटी बेटा ही है, ये बेटी नहीं ये बेटा है। सुनो, लड़की और लड़का इन दोनों में कोई अंतर होता है क्या? हाँ या ना? होता है, और बहुत बड़ा अंतर होता है। आप लोग ना सत्य को स्वीकार नहीं करते। लड़की और लड़का में बहुत बड़ा अंतर है। जो आप कहते हो ना हमारी बेटी बेटों से कम नहीं, आप गलत कहते हैं साहब। सच्चाई ये है कि बेटी की बराबरी धरती में बेटा कभी कर ही नहीं सकता। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, समझो ना। बेटे के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी है और बेटी के कंधे पर दो कुल की जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर है? तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर होती है, बड़े पर छोटे पर? बड़ा, इसलिए स्त्री बड़ी है, पुरुष से बड़ी है ना। इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है। इसलिए बेटा और बेटी एक समान नहीं है, बेटी बेटे से बड़ी है। अब बड़ी को आप एक समान लाओ तो कैसे लाओगे? बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य मीन्स वन भाग्य, सौभाग्य मीन्स सौ मतलब हंड्रेड भाग्य। सौभाग्य से बेटी होती है। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसलिए बेटी का भाग्य बेटे के भाग्य से श्रेष्ठ है, बड़ी है। इसलिए हमारे भारत में बेटी को कन्या भोज में बुलाकर बेटी को मां मानकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। बेटी बड़ी है बेटों से, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों का ख्याल रखा करो। और बेटियों को कुछ बेटियों को लगता है हमारी माँ तो हमसे प्यार ही नहीं करती, हमारे पिता तो हमसे प्यार ही नहीं करते, हमारा भैया बाहर घूमता रहता है और हमारी माँ बस हमें घर के भीतर रखती है, अंदर रहो रात हो गई चलो अंदर रहो। हमारा भैया कोचिंग करके आता है एक घंटे घूमता है, हम जरा 10 मिनट लेट हो जाएं तो मम्मी माँ हमारी छाती पे चढ़ जाती है, कहाँ थी तू आधे घंटे, कहाँ थी तू, समय का हिसाब दे, कहाँ लेट हो गई तू। तो हमारी माँ ना हमसे प्यार नहीं करती, हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता, बड़ा पक्षपात करते हैं लड़का और लड़कियों में, ऐसा आरोप लड़कियां लगाती हैं अपने माँ बाप पर। कुछ लड़कियां माँ बाप पर ऐसा आरोप लगाती हैं। तो आपके इस आरोप पर मैं एक छोटा सा आपको निवेदन कर दूं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, एक छोटा सा निवेदन ये है कि देखो जो बेटा होता है ना वो सरिया होता है। सरिया, अब रायपुर में सरिया खरीदने जाओ ना तो सरिया की दुकान में सरिया बाहर पड़ा होता है। सरिया मतलब लोहा, लोहे की सरिया जिससे घर बनता है, तो सरिया बाहर पड़ा होता है, हाँ या ना। लेकिन हीरे की दुकान में जाओ तो हीरा बाहर नहीं पड़ा होता, हीरा अंदर होता है, अंदर भी एक लाल सी डिब्बी में और तिजोरी के अंदर भी। तो हीरा तिजोरी के अंदर होता है, सरिया बाहर होता है। हीरा ज्यादा कीमती होता है कि सरिया? हीरा। तो जो बेटियां हैं उन्हें घर के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हीरे को घर के अंदर ही रखा जाता है। बेटा बाहर है तो सरिया बाहर ही रखा जाएगा, तो बाहर बेटा तो सरिया की तरह है, इसमें जंग लगी हुई तो इसका मूल्य कम होगा, तो कितना कम होगा, रुपए दो रुपए कम बिकेगा। लेकिन हीरा में यदि कुछ दिक्कत हो गई, जरा टूट गया, तो फिर हीरा तो पूरी कीमत खत्म हो जाएगी उसकी। 1 करोड़ का हीरा है और गिरने से चटक गया तो टुकड़े दो हो गए, तो 1 करोड़ अब तो कोई लाख रुपए में भी ना लेगा उससे। इसलिए
बेटियां हीरे की तरह हैं, इसलिए उन्हें सहेज के संभाल के रखा जाता है। बेटियों के कंधे पर दो वंश की, दो कुलों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेटियां बड़ी हैं बेटों से। हाँ या ना? इसलिए हर लड़के को, हर पुरुष को बेटियों का, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो लड़के, जो समाज स्त्रियों का सम्मान नहीं करती, वो लोग बहुत निर्दयी होते हैं और बहुत पीछे चले जाते हैं। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। स्त्रियों का सम्मान, और गलतियां कहां हुई? आज समाज में बलात्कार क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपने स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को। पुरुष नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है। कहते हैं जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें पढ़कर नहीं सीखी जा सकती साहब। बेटी को किताबों में कितना भी पढ़ लो ना पढ़ पाओगे, जब तक बेटी आपके घर पैदा नहीं होगी तब तक आप बेटी को नहीं पढ़ सकते। स्त्री का सम्मान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मां का सम्मान ना करें। जो अपनी मां का सम्मान करेगा वही नारी जात का सम्मान करेगा। जो मां का सम्मान ना कर सका वो पत्नी का भी ना करेगा, बेटी का भी ना करेगा, और समाज की किसी बहन और बेटी का भी ना करेगा। इसलिए अपने बेटों को पहले ऐसा बनाओ कि वो स्त्रियों का सम्मान करे। क्यों? एक लड़के को चोट लग गई, खून आ गया, उस लड़के ने चीखना शुरू किया। उसके मित्रों ने कुछ कपड़े अपड़े उसके हाथ में बांधना स्टार्ट किया, पर उसने उस दर्द को सहा। वहां एक सामने बूढ़ी अम्मा बैठी, उस मां ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस बच्चे के कलाई पर, चोट पर साड़ी बांध दी। कुछ दवाई थी, मां ने मलहम भी लगा दिया। तभी उस लड़के ने कहा, अम्मा तुम परेशान ना हो, हम मर्द हैं और हम मर्दों को कोई दर्द नहीं होता, हम मर्द हैं। तब उस मां ने पट्टी बांधते हुए कहा उस नौजवान लड़के से, ऐ मर्द, तुम मर्दों को दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है। ये जो तुम्हारी मर्दानगी है, ये मर्दानगी भी तुम्हारी मां से ही तुम्हें प्राप्त हुई है। किससे मिली है? कहां से आए हो? मां से ही तो आए हो। तुम्हारा बाप ने तुम्हें खून में ना रखा, तुम्हारी मां ने तुम्हें खून में रखा है, अपने लहू से सींचा है तुम्हारे बदन को। इसलिए जिस मां के पेट में 9 महीने गुजारे हो, जिस मां के लहू से तुम्हारी सिंचाई हुई है, उस मां का, उस नारी जात का सम्मान करना सिखाओ अपनी औलादों को, अपने बच्चों को। इस धरती में प्रथम स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन का, प्रत्येक नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। और सम्मान वही कर सकता है जो बड़ा होता है। समझो आप, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे। मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा तो आप मेरा सम्मान क्यों करेंगे? अरे सम्माननीय व्यक्ति ही समाज का सम्मान करता है। जिसका सम्मान है वो तो सम्मान करेगा, जिसका सम्मान है ही नहीं
वो क्या करेगा। इसलिए समझाओ नारी क्या होती है। सबसे पहले मनु और शत्रुपा में इन दोनों की संतान में आकूति, जो धरती की पहली बेटी, उनका नाम आकूति, फिर दूसरी देवहूति, फिर तीसरी प्रसूति। आकूति के गर्भ से साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के गर्भ से साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए, और प्रसूति के गर्भ से साक्षात भगवान शिव की पत्नी माता सती प्रकट हुई। ये तीनों श्रेष्ठ माँ हैं। आकूति के यहां रुचि प्रजापति से विवाह हुआ और यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति मां के यहां साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान जिन्होंने अपनी मां को सांख्योपदेश देकर के उनके अज्ञान का हरण किया, ऐसे कपिल देव जी महाराज।